एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स। देखे तो पता चले पड़ गया ना कॉपी चेक जी। वैसे का था पढ़ा था, पढ़ा नहीं पढ़ा था ये पढ़ा था बता बता एक्शन चेक करें। एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स। ठीक है अच्छा, प्री पेमेंट्स क्या होती है? प्री पेमेंट पहले से पेमेंट कर दें, एडवांस पेमेंट हो गई। ठीक है, और एक्रूअल्स पगार मतलब अनपेड, अनपेड एक्सपेंस के लिए टर्म यूज करते हैं हम। एक्रूअल्स और एक्रियोड एक्सपेंस, और अगर एडवांस पेमेंट की तो उसके लिए टर्म यूज होगी प्री पेमेंट्स और प्रीपेड एक्सपेंस। अच्छा पहले हम बात करेंगे इसमें इनकम और एक्सपेंस की बात करेंगे पहले। एक्रियोड एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, के बाद हम बढ़ेंगे फिर एक्रूअड इनकम और प्रीपेड इनकम क्या होता है। तो पहले एक्सपेंस की बात करेंगे उसके बाद इनकम। अच्छा एक्रूअल्स और एक्रूअड एक्सपेंस क्या होते हैं, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं अनपेड एक्सपेंस आपके। तो हर वो एक्सपेंस जो अनपेड है उसके लिए टर्म यूज होगी एक्रूअल्स और एक्रूअड एक्सपेंस। कॉपी कर लें। अच्छा साथ ही इसकी एंट्री भी बनी हुई है। एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस डेबिट एक्रूअल्स क्रेडिट। एक्रूअल क्या करेंगे, अनपेड है ना तो कैश कैसे आएगा। एक्सपेंस हो गया, आपने पे नहीं किया तो लाइबिलिटी है ना बॉस। ठीक है, तो एक्रूअल्स की नेचर क्या होगी, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख लें। अच्छा इसके बाद प्री पेमेंट और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होंगे, अगर आपने कोई एक्सपेंस एडवांस पे किया हुआ है, एडवांस पेमेंट की है उसे कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। और जैसे आपने यहाँ फीस पे की, TSM एडमिशन लिया, फीस आपने एडवांस पे की है ना, तो वो क्या है, प्री पेमेंट। अच्छा प्री पेमेंट्स की नेचर क्या होगी, एसेट होता है आपका, और ये इसकी एंट्री होती है प्री पेमेंट्स डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। के बाद अभी एक और कॉन्सेप्ट है, और एक्रूअल कॉन्सेप्ट या एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अभी एक्रूअल कॉन्सेप्ट या एक्रूअल बेस अकाउंटिंग क्या होती है। अच्छा ये बताएं पहले मुझे कि कोई भी ट्रांजेक्शन है उसको हम रिकॉर्ड कब करें, जब वो अकर हो जाए तब रिकॉर्ड करें या जब रिसिप्ट या पेमेंट हो तब रिकॉर्ड। जब अकर हो जाए रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, पेमेंट या रिसिप्ट का इंतजार नहीं करते ना। जैसे क्रेडिट सेल्स होती हैं कब रिकॉर्ड करते हैं, जब सेल हो जाती हैं, रिसिप्ट का इंतजार नहीं करते। क्रेडिट परचेज है, इसी तरह कोई एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकर हो गया, जैसे मंथ एंड हुआ, इम्प्लॉयज की सैलरी डी हो गई आप पर, तो उसको रिकॉर्ड कब करें। डी हो जाएगी तो रिकॉर्ड कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह जैसे बिल आया तो उसको रिकॉर्ड कब करें, जब डी हो जाए रिकॉर्ड कर लेंगे, पेमेंट या रिसिप्ट का इंतजार। तो यही एक्चुअल कॉन्सेप्ट कहता है कि जब ट्रांजेक्शन आकर हो जाए उसको रिकॉर्ड कर लें, पेमेंट या रिसिप्ट का इंतजार। इसका फायदा क्या होता है, से फायदा ये होता है कि जिस ईयर के एक्सपेंस होते हैं उसी ईयर में चार्ज होंगे, जिस ईयर की इनकम है उसी ईयर में रिकॉर्ड होती है, नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर नहीं। आइए लिखें, इसको फिर अभी समझाता हूँ और आपको लिखकर इंट्रीज बना के भी बताऊं। मिलेगा ये लिखना है, इसका हैंडआउट नहीं, हैंडआउट में सिर्फ क्वेश्चन है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट पहले लिख लें क्या है, कि ट्रांजेक्शन जब अकर होगी उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, पेमेंट या रिसिप्ट का इंतजार नहीं कर। ठीक है।
आपको ये अकाउंटिंग एक्रूअल कॉन्सेप्ट और जो एक्रूअल प्री पेमेंट की एंट्रीज हैं ये आपको मैं डिटेल में समझा देता हूँ। अच्छा, एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है हमारा, सपोज कर लें जनवरी में बिजनेस स्टार्ट हुआ हमारा, फर्स्ट मंथ एक्सपेंस कौन सा लें, सैलरी एक्सपेंस ले लेते हैं, ठीक है। ये जनवरी में ईयर स्टार्ट हुआ है और सैलरी एक्सपेंस की हम बात कर लेते हैं। जो सैलरी हम पे करते हैं, सपोज पॉलिसी है कंपनी की कि नेक्स्ट मंथ की 5th को पे करते हैं, ठीक है। तो जनवरी की सैलरी कब पे होगी, फेब 5th को, फिर फेब की सैलरी 5th मार्च को, फिर 5th अप्रैल, ठीक। अच्छा, भी जनवरी स्टार्ट हुआ बिजनेस, जनवरी की सैलरी हम पे करेंगे कब, 5th फेब को ना। अच्छा, क्या एंट्री बनेगी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे और कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट सपोज कर लेते हैं 10,000, छोटा अमाउंट देते हैं, सही। अच्छा, ये हमने जनवरी की सैलरी 5th फेब को पे कर दी। फेब की सैलरी कब पे होगी, 5th मार्च को, मार्च 5, तो सेम एंट्री बनेगी, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक। अब मार्च की सैलरी हम पे करेंगे अप्रैल 5 को, ठीक, सेम एंट्री बनेगी। अच्छा, इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, अप्रैल के बाद मई 5, मई के बाद जून 5 आएगा, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अच्छा, नवंबर की सैलरी पे होगी दिसंबर में, तो क्या दिसंबर की सैलरी कब पे होगी, जनवरी में पे होगी ना, दिसंबर की सैलरी पे होगी जनवरी में, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम दिसंबर की सैलरी, जब दिसंबर की सैलरी हम पे करेंगे जनवरी में, तो यहाँ पे दिसंबर 31 पे हो गया ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ। दिसंबर की सैलरी कब पे होगी, जनवरी 5 में, यहाँ पे एक एंट्री और बना लेते हैं, और सही। ये हमने नवंबर की सैलरी पे कर दी दिसंबर 5 को, और 31 दिसंबर पे हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ। जो दिसंबर की सैलरी वो पे कब होगी, जनवरी में ना, जनवरी 5 को हम सैलरी पे करेंगे। तब ये बताएं कि जो दिसंबर की सैलरी है वो 31 दिसंबर पे रिकॉर्ड होगी। अच्छा, ड्यू कब होगी दिसंबर की सैलरी, ड्यू कब होगी, दिसंबर की सैलरी ड्यू कब होगी, जनवरी में तो हम पे करेंगे ना, दिसंबर 31 पे ड्यू हो जाएगी ना, कि मंथ एंड हो गया, पूरा महीना हो गया, सैलरी आप पे ड्यू हो गई, अब आपने पेमेंट करनी है, वो जब भी करें। अब पे हम करेंगे जनवरी 5 पे। अच्छा, अगर हम इसकी जो एंट्री है वो जनवरी 5 पे बनाए, सपोज ये हमने दिसंबर की सैलरी जनवरी में पे कर रहे हैं, जनवरी पे हमने उसकी एंट्री बना ली, मुझे ये बताएं कि जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ वो दिसंबर में हुआ, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, अब हम 31 दिसंबर पे इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसमें ये बताएं सैलरी एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, 11 या 12, चार्ज होने कितने चाहिए, 12 सैलरी चार्ज होने चाहिए ना एक साल की, लेकिन इसके मुताबिक रिकॉर्ड के मुताबिक चार्ज कितनी होंगी, 11 सैलरी चार्ज होंगी ना, क्योंकि दिसंबर की सैलरी हमने रिकॉर्ड की जनवरी 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो दिसंबर की सैलरी है करंट ईयर के एक्सपेंस वो नेक्स्ट ईयर में चार्ज हो गए, ये तो गलत हो जाएगा ना, तो गलत ट्रीटमेंट हो गया। एक हमने पढ़ा था ना मैचिंग प्रिंसिपल, क्या था, इनकम और एक्सपेंस मैच होने चाहिए, जिस ईयर जो इनकम रिकॉर्ड करेंगे उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी उसी ईयर में चार्ज होने चाहिए, तो ये तो उसके अगेंस्ट चले जाएंगे ना। अब सैल इम्प्लॉयज ने काम किया है जनवरी में, बेनिफिट आपको मिला जनवरी में, एक्सपेंस आप चार्ज कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर में, दिसंबर में काम किया ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस ईयर की सैलरी नेक्स्ट ईयर में चार्ज हो रही है, इस ईयर में चार्ज कितने होंगे आपके, 11 सैलरी, जबकि चार्ज कितनी होनी चाहिए, 12 सैलरी, ठीक है, राइट। तो अब आते हैं जरा उस पे एक्रूअल कॉन्सेप्ट, तो क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन को आपने कब रिकॉर्ड करना है, जब अकर हो जाए, पेमेंट या रिसिप्ट का इंतजार नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो दिसंबर की सैलरी है ना
ड्यू कब होगी है दिसंबर की सैलरी? 31 दिसंबर पे ड्यू हो जाएगी, तो इसको हम 31 दिसंबर पे ही रिकॉर्ड कर लेंगे। इससे क्या होगा, इस ईयर के एक्सपेंस इसी ईयर में चार्ज होंगे, नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर नहीं होंगे। तो अब दिसंबर पे एंट्री क्या बनेगी? एंट्री होगी सैलरी एक्सपेंस को, तो हम डेबिट ही करेंगे। एक्सपेंस डेबिट हो गए, मंथ एंड हो गया। अच्छा, सैलरी हमने पे नहीं की, यहाँ पे डी हो गई है, लायबिलिटी बन गई है, पेबल है ना, तो क्रेडिट हम लिख देंगे पर एक्रूअल्स या एक्रूड सैलरी 10,000 से इसको क्रेडिट। ठीक है, तो ये कहलाती है एक एडजस्टिंग एंट्री कहते हैं इसको। ये बनती है ईयर एंड पर। इससे फायदा क्या होगा कि जिस ईयर के एक्सपेंस हैं उसी ईयर में चार्ज होंगे, नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब ये वाली सैलरी या एंट्री आपको क्लियर हो गई, एक्रुअल्स वाली, एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी एक्रुअल्स क्रेडिट। ठीक है, पे नहीं किया अभी हमने, मतलब ठीक है। बाकी सैलरीज हमने पे कर दी थी दिसंबर नवंबर तक की, दिसंबर की हम पे डी हो गई है, पे तो हम करेंगे जनवरी 5th को एज पर पॉलिसी, लेकिन रिकॉर्ड कब करेंगे? 31 दिसंबर पे जब वो डी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि इस ईयर के एक्सपेंस इसी ईयर में चार्ज हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर नहीं। तो इससे आपको मैचिंग प्रिंसिपल भी फॉलो होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इसकी एंट्री होती है, एक्सपेंस इंक्रीज हुए डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई क्रेडिट। तो वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि जब ट्रांजेक्शन अकर उसको रिकॉर्ड करना है। रीजन क्या हुई इसकी? रीजन ये कि इससे ये फायदा होता है कि जिस ईयर के एक्सपेंस होते हैं उसी ईयर में चार्ज होंगे, जिस ईयर की इनकम है उसी ईयर में रिकॉर्ड होगी, नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर नहीं। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करने से आपका मैचिंग प्रिंसिपल भी अप्लाई हो जाता है। सही है। अच्छा, आप प्री पेमेंट समझा देता हूँ आपको। जब प्री पेमेंट वो स्टार्ट हम करेंगे जनवरी से, तो कौन सा रेंट ले लेते हैं, रेंट एडवांस में पे होता है ना। ठीक है, तो जनवरी का रेंट आप जनवरी 1st को पे होगा, एंट्री हो जाएगी रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। अमाउंट सपोज कर लें 5,000। तो इसके बाद फेब का रेंट हम 1st फेब को पे करेंगे, तो सेम एंट्री बनेगी रेंट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। मार्च का रेंट 1st मार्च को पे हो जाएगा, सेम एंट्री होगी। इसी तरह ही सिलसिला चलता रहेगा। अप्रैल 1, मई 1 आ गया, फिर जून 1, जुलाई 1 आ जाएगा, इसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अच्छा, अब क्या हुआ, 1 मिनट, यहाँ पे नवंबर पे आते हैं, हमने अक्टूबर का रेंट तो पे कर दिया अक्टूबर में, अक्टूबर 1st को। अच्छा, 1st नवंबर पे क्या हुआ कि कुछ पैसे ज्यादा आ गए हमारे पास, हमने 3 मंथ का रेंट एडवांस दे, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने का रेंट एडवांस पे कर। तो अब यहाँ एंट्री क्या होगी, एंट्री भी बनेगी रेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितने से होगा? 15,000 से। ये 15,000 हमने 1st नवंबर पे पे कर, भी नहीं आएगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, अच्छा आप दिसंबर 31st, अच्छा 1st दिसंबर पे तो कोई रेंट पे नहीं होगा ना। अब ईयर एंड कब हो गया? दिसंबर 31st, फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ। अब हम 31 दिसंबर पे एंट्री बनेगी इसकी या नहीं? तो देखिए, अगर हम कोई एंट्री ना बनाए 31 दिसंबर पे, अब हम अपना जरा रेंट एक्सपेंस का टोटल करते हैं। अच्छा, रेंट एक्सपेंस कितने थे? 5,000 पर मंथ, तो साल के कितने बनेंगे? 60,000 हो गए ना। अच्छा, और इसके मुताबिक कितने बनेंगे आप? जनवरी से अक्टूबर तक कितने मंथ्स हुए? 10, 50,000 हो गए। और ये 15 ऐड कर लें, 65,000। चार्ज कितने होने चाहिए? 60,000, लेकिन फिलहाल इसके मुताबिक चार्ज हो रहे हैं 65, क्योंकि जो जनवरी का रेंट है वो भी इसी साल में चार्ज हो गया था। तो यहाँ पर क्या होगा, ईयर एंड पे हम एक एंट्री बनाएंगे एडजस्टिंग एंट्री। इसमें देखिए, नवंबर का रेंट और दिसंबर का रेंट, ये तो 31 दिसंबर तक यूज हो जाएगा, जनवरी का रेंट आपका बच गया ना। जनवरी का रेंट अभी क्या है?
बचा हुआ है प्रीपेड है, ठीक है। तो अब यहां पर एक एंट्री बनेगी प्री पेमेंट्स डेबिट, जनवरी का रेंट प्रीपेड है, एडवांस में पे किया हमने, और प्री पेमेंट्स की नेचर क्या होती है, एसेट्स। तो ईयर एंड में हमें पता चला कि जनवरी का रेंट प्रीपेड है, अभी बचा हुआ तो वो हमारे लिए क्या एसेट है, एसेट इंक्रीज हुए डेबिट। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, आपका एक्सपेंस डिक्रीज हो जाएंगे ना, एक्सपेंस आपके 5,000 से डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। इसकी एंट्री क्या होगी, प्री पेमेंट्स डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। प्री पेमेंट इफेक्ट क्या हुआ, एसेट इंक्रीज हुए और एक्सपेंस डिक्रीज हो गए, सही। अच्छा आप टोटल करते हैं तो यहां तक का टोटल कितना था, 65,000 ना डेबिट, और ये 5,000 यहाँ पर क्रेडिट हो रहे हैं, माइनस करेंगे तो एक्सपेंस कितने रह जाएंगे, 60,000, और चार्ज भी कितने होने चाहिए थे, 60,000, सही। तो इसलिए ये एंट्री बनती है प्री पेमेंट कि जो आपका रेंट बच गया अमाउंट वो एसेट है, बाकी आपका एक्सपेंस कम हो। तो प्री पेमेंट का इफेक्ट क्या होगा, एसेट इंक्रीज एक्सपेंस डिक्रीज, एंट्री बन गई प्री पेमेंट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, सही क्लियर। तो कॉपी कर लें ताकि आपको याद रहे, लिख लें। अच्छा ये तो हो गया क्लियर आपको, एंट्रीज डेफिनेशंस एक्चुअल कॉन्सेप्ट, सही। अच्छा अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा जो क्वेश्चंस इसमें आएंगे, दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बल्कि अच्छा दो रिक्वायरमेंट्स होंगी क्वेश्चन में। एक आपको ये बताना होता है कि जब ईयर एंड पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें एक्सपेंस का क्या अमाउंट चार्ज होगा, और ईयर एंड पर जब बैलेंस शीट बनेगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो उसमें प्रीपेड या एक्रूड एक्सपेंस का क्या अमाउंट रिकॉर्ड। तो दो चीजें फाइंड करनी है, एक्सपेंस और प्रीपेमेंट्स या एक्रूड एक्सपेंस। अच्छा क्वेश्चन जो आएंगे इसमें वो दो टाइप के आते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन है। एक टाइप हो गए जिसमें एक टाइमलाइन बनती है, इसकी बेस पर कैलकुलेशन करेंगे, और दूसरी टाइप उसमें बनेगा टी अकाउंट, टी अकाउंट के बेस पर फिर कैलकुलेशंस होंगे। तो पहले हम क्वेश्चंस करेंगे टाइम बेस्ड, टाइमलाइन बनाएंगे, उसकी बेस पर कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद फिर अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। हैंडआउट आपने दे दिया कॉपी के लिए, आ जाएगा थोड़ी देर में, हैंडआउट आपको मिल जाएगा। अच्छा पहले कुछ एक तो एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस पर आएंगे पर, ठीक है। अच्छा तो ये एक जो एग्जाम्पल्स हैं, सपोज करें हमने एक जनवरी में न्यू बिजनेस स्टार्ट किया जनवरी, और ईयर एंड हो रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ December 31 पे, ठीक है। सब क्या हुआ, हमने यहाँ पर मार्च अप्रैल अप्रैल 1 पे एसेट खरीदा और उसका इंश्योरेंस करवाया, और 1 साल का हमने इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे कर दिया। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया कितना, 60,000। ये 1 ईयर कब होगा हमारा इसका, अगले साल मार्च में, अगले हफ्ते नहीं, अच्छा 31 मार्च पे 1 ईयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना। तो ये हमने अप्रैल 1 से मार्च 31 तक का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। अच्छा ईयर भी लिख लेते हैं, 2020 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 2021 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, अब यहाँ पर 31 दिसंबर पे ईयर एंड हुआ, फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, अब हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अब ये बताएं कि इनकम स्टेटमेंट में इंश्योरेंस एक्सपेंस का क्या अमाउंट चार्ज होगा, और बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस का क्या अमाउंट रिकॉर्ड, ठीक है। इंश्योरेंस एक्सपेंस की कैलकुलेशन क्या होगी, अब देखिए 60,000, हाँ 1 ईयर का एक इंश्योरेंस है तो 12 से डिवाइड करेंगे तो पर मंथ आ जाएगा, फिर 4 महीने, 3 महीने, 3 महीने क्यों, क्या करें फिर उसको 3 महीने में, तो क्या करें, 3 में 12 से डिवाइड किया, ठीक है,
ठीक है, तो एक्सपेंस कितने आएंगे? थोड़ी थोड़ी लंबी कर दिया। हाँ सही कह तो सही रहे, ठीक है। अच्छा बाकी बताएं। सही है जी। एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या कैलकुलेशन हो गया? देखें, अप्रैल में हमने पेमेंट किए और दिसंबर में ईयर एंड हो रहा है ना, कितने मंथ्स गुजरे? 9 मंथ्स गुजर गए। इसमें से 9 मंथ्स का अमाउंट तो हमारा एक्सपायर हो गया ना, 3 मंथ्स का बच गया, ठीक है। 60,000 में 9 मंथ्स गुजर चुके हैं, तो 9 मंथ्स का अमाउंट तो हमारा एक्सपायर हो गया ना, यूज हो गया, एक्सपेंस हो गया, बाकी 3 मंथ्स का बचा हुआ है अभी। तो एक्सपेंस के लिए आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, पर मंथ आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, 9 अपॉन 12, तो ये 9 मंथ्स के एक्सपेंस आ जाएंगे 45,000। ये बन जाएंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस, और अब इसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस, ये जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का प्रीपेड होगा ना, तो 3 अपॉन 12, 15,000 प्रीपेड इंश्योरेंस आ जाएगा। अच्छा ठीक क्या किस तरह लेंगे? मतलब भाई जब हम ईयर एंड पर, अब 31 दिसंबर पे हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, तो उसमें इंश्योरेंस एक्सपेंस हम चार्ज करेंगे 45,000, और जब बैलेंस शीट बनेगी उसमें हम करंट एसेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस रिकॉर्ड करेंगे 15,000। तो एक्सपेंस चार्ज होंगे 45, और ये करंट एसेट हो जाएगा 15,000। तो ये 60,000 का ब्रेकअप, 45 एक्सपेंस हो गया, 15,000 प्रीपेड। क्लियर? अच्छा, इसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं आगे। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं इसी एग्जाम्पल को। ये तो ईयर वन हुआ ना। अच्छा अब यहाँ देखें, यहाँ से हमारा ईयर टू स्टार्ट हो जाएगा 2021, तब ये एंड होगा दिसंबर में, ये 31 दिसंबर पे एंड होगा, सही है? अच्छा अभी समझ लें, काफी बात नहीं कीजिएगा। अच्छा तब यहाँ पर देखें, मार्च 31 पे ये 60,000 तो हमारे पूरे एक्सपायर हो जाएंगे ना, तो अप्रैल 1 पे हमें न्यू पेमेंट करना होगी। अच्छा न्यू पेमेंट हमने कितनी की? 72 कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा तो बढ़ा देते, डॉलर महंगा हो गया, मार्च 31, सही है? ठीक है जी, ये हमने पहली पेमेंट की 60,000, अब नेक्स्ट ईयर हम पे कर रहे हैं 72,000 पर ईयर, 1 साल का इंश्योरेंस। हाँ एक एक साल का, ये अगले, ठीक है ना, अप्रैल से लेके मार्च एनुअल पेमेंट हो रही है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर दिसंबर 31, 2021 फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, अब हम बना रहे हैं वही इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, तो वही हमें इंश्योरेंस एक्सपेंस कैलकुलेट करने हैं और प्रीपेड इंश्योरेंस कैलकुलेट करना, ठीक है। अब कैलकुलेशन क्या होगी, अब यहाँ पर आ जाएंगे, अब हमें यहाँ से जनवरी स्टार्ट होगा ना, यहाँ तक ये पूरा साल है हमारा, इसके हमें एक्सपेंस कैलकुलेट करना, क्या कैलकुलेशन होगी? 15 ये आ जाएंगे। हाँ देखिए, ये जो प्रीपेड है ये नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस बनेंगे ना, लेकिन हम क्या करेंगे, जनवरी से लेकर मार्च तक के जो एक्सपेंस हैं वो 60,000 से कैलकुलेट करेंगे, और अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के एक्सपेंस 72,000 से कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों को ऐड कर लेंगे ना, तो जनवरी से मार्च तक के एक्सपेंस 60,000 से कैलकुलेट होंगे, यानी कि ये जो प्रीपेड थे 15, ये नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस हो जाएंगे ना, जनवरी फरवरी मार्च, और फिर अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के एक्सपेंस 72,000 से कैलकुलेट, दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे, इस तरह होगा, ठीक। इसको लिखते हैं यहाँ पर जी। अब हम लिखेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस कैलकुलेशन, ये होगी देखिए 60,000 इंटू 3 अपॉन 12, ये हो गया जनवरी फरवरी मार्च, और इसमें ऐड करेंगे आप 72,000 इंटू अप्रैल से दिसंबर तक 9 मंथ्स, 9 अपॉन 12, ठीक है। ये तो हो गया पहले 15,000, और ये 54, ठीक है, 54,000, तो
को ऐड कर लें, 69,000, 69,000 हो गया आपके इंश्योरेंस एक्सपेंस, ठीक है। और प्रीपेड इंश्योरेंस कैलकुलेट करते हैं, जब 72,000 है तो फिर वो ये जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स का प्रीपेड होंगे, सही है। तब यहाँ लिखेंगे 72,000 इंटू थ्री अपॉन 12, कितना बन रहा है? 18,000 आ जाएगी, ठीक है। ओके तो ये कॉपी कर लें एग्जाम्पल एक पहले, फिर क्वेश्चंस पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट पे आ जाएं। क्वेश्चन 1, मारिया स्टार्ट हर बिजनेस ऑन अगस्त 1, 2008 एंड पेज हर इंश्योरेंस फॉर द ईयर टू 31 जुलाई 2009, टोटलिंग 1800। हर ईयर एंड इज 31 दिसंबर ईच ईयर। वॉट इज द अमाउंट ऑफ फॉर इंश्योरेंस एक्सपेंस टू बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन फॉर द ईयर एंडेड डिसंबर 31, ठीक है। अच्छा, बिजनेस स्टार्ट कब हो रहे हैं? अगस्त में, और इंश्योरेंस भी उसने अगस्त में पे कर दिया है जुलाई तक का ना, और ईयर एंड कब है इसका? 31। अच्छा, ये पहला साल है बिजनेस का, ये मसला है, ऑस्ट्रेलिया वाले कनाडा चले। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर ड्रॉ करें। तो बिजनेस स्टार्ट कब हुआ है? अगस्त 1 को। ईयर एंड कब हो रहा है इसका? डिसंबर 31। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर ड्रॉ कर लेंगे अगस्त 1 से डिसंबर 31। अब पेमेंट्स की टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। आप पेमेंट उसने कब की है? पेज हर इंश्योरेंस फॉर द ईयर टू जुलाई 9, आई थिंक अगस्त 1 को इंश्योरेंस पे कर दिया नेक्स्ट ईयर के जुलाई तक का, जुलाई 9 तक के लिए, कितना? 1800। यहाँ पे हम लिखेंगे अगस्त 1, 1800, और ये नेक्स्ट ईयर के जुलाई तक की पेमेंट होगी, जुलाई 31, ठीक है। 1 ईयर का इंश्योरेंस पे किया, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है इसका डिसंबर 31, तब बताएं इसमें इंश्योरेंस एक्सपेंस और प्रीपेड इंश्योरेंस कितना होगा? इंश्योरेंस एक्सपेंस के लिए हम कहेंगे 1800, अगस्त से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ्स हुए? 5। तो 5 मंथ्स के एक्सपेंस हो जाएंगे, 5 अपॉन 12 × 5 अपॉन 12, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस आपके बन जाएंगे 750। और अब बाकी जनवरी से लेकर जुलाई तक कितने मंथ्स हुए? 7 मंथ। तो ये 7 मंथ्स का प्रीपेड हो जाएगा ना, प्रीपेड इंश्योरेंस 1800 इंटू 7 अपॉन 12, तो 1050। तो ये हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस है, ठीक है, बस खत्म। हाँ, ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट, कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, John Simnel pays insurance on factory and this is paid in advance. Okay. His payments during 2001 for the insurance were as follows. January 1 for 3 months to 31st March 800. Achha, ye 3 months ka insurance pay kiya isne. January, February, March. Iske baad 28 March ko pay kar raha for 6 months to 30th September 1800. To ye April, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हो गया।
फिर अक्टूबर में पे किया फॉर 6 मंथ्स टू 31 मार्च, सही। कैलकुलेट इंश्योरेंस एक्सपेंस एंड एक्रीड और प्रीपेड एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। जब ईयर एंड हो रहा है इसका दिसंबर में, तो स्टार्ट कब हुआ होगा? दिसंबर में ईयर एंड हो रहा है, जनवरी में, फरवरी क्यों बोल रहे? अच्छा, पहले इसका फाइनेंशियल ईयर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जनवरी फर्स्ट में ईयर स्टार्ट हुआ, फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? दिसंबर। अच्छा, इसमें क्वार्टरली पेमेंट है थोड़ा सा इसको हमने। अच्छा, आप पेमेंट्स की टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। पहले पेमेंट कब हो रही है? 1 जनवरी को, 31 मार्च। जनवरी 1 को पे किया इसने 800, और ये होंगे जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च। इसके बाद सेकंड पेमेंट 28 मार्च को हो रही है फॉर 6 मंथ, तो ये अप्रैल से सितंबर तक की पेमेंट होगी ना। तो अप्रैल 1 से 1800 पे किया हमने कब तक के लिए? सितंबर, हो गया 30 सितंबर। थर्ड पेमेंट अक्टूबर में हो रही है फॉर 6 मंथ्स, अक्टूबर 1, 1800 पे किए, और ये नेक्स्ट ईयर के मार्च तक की पेमेंट होगी ना, मार्च 31, सही। अब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, अब हमें इंश्योरेंस एक्सपेंस कैलकुलेट करने हैं पहले तो। अच्छा, देखिए ये जो 800 है ये तो हो जाएगा जनवरी फरवरी मार्च, 800 पैसेज आ जाएंगे। इसके बाद 1800 भी एज इट इज एड हो जाएंगे। अब इसके बाद जो लास्ट पेमेंट है, इसमें से हम लेंगे 3 मंथ्स ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें से 3 मंथ्स के एक्सपेंस यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा ना। इनटू 3 अपॉन 12, 6, 3 अपॉन 6, 6 मंथ्स की पेमेंट है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ये कितने बन जाएंगे, 900। इन तीनों को ऐड कर लें तो ये हो जाएंगे 3500। 3500 इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गए, ठीक है। ओके, अब प्रीपेड इंश्योरेंस कैलकुलेट करते हैं। अब इस 1800 में से क्या जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स के प्रीपेड होंगे, इंटू 3 अपॉन 6, प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा 89, 900, 3500 एक्सपेंस और 900 प्रीपेड, क्लियर। कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, द हिलियर्ड ओपेंड बिजनेस ऑन जनवरी 1, 2006 इन न्यू शॉप विच वॉज ऑन अ 20 ईयर लीज, द रेंट इज पेबल क्वार्टरली इन एडवांस। अच्छा, क्वार्टर कितने मंथ्स हुए क्वार्टर में? देखिए, क्वार्टर होता है 1/4, ठीक है। साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12, तो इसका क्वार्टर होगा 3 मंथ। क्वार्टर का मतलब यहाँ 3 मंथ्स, ठीक है। अच्छा, अभी क्वार्टरली पेमेंट है जनवरी, देखिए आपने तो ये होगा जनवरी फरवरी मार्च, फिर ये मार्च में पे कर रहे हैं तो ये अप्रैल मई जून, फिर जून में पे कर रहे हैं तो ये जुलाई अगस्त सितंबर, फिर सितंबर में पे किया तो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो यहाँ पर 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा ना। तो इन चारों को ऐड कर लें, टोटल एक्सपेंस कितने हो जाएंगे? 20,000। बाकी जो दिसंबर में पेमेंट किया ये होगा जनवरी फरवरी मार्च, ये प्रीपेड हो जाएंगे ना, सही। तो ये ऐसे ही सॉल्व हो गया। इसमें आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे रेंट एक्सपेंस कितने होंगे, 5000 प्लस 5000 प्लस 5 प्लस 5, 20,000 तो आपके हो जाएंगे रेंट एक्सपेंस। और 5000 आपका प्रीपेड रेंट हो जाएगा, क्लियर। इसमें जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। कॉपी कर लें जी।
जनवरी में हमने रेंट पे किया तो ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में पे करना ये हो गया अप्रैल, मई, जून, जून में पे करेंगे तो ये होगा जुलाई, होगा सितंबर, सितंबर में पे करें ये होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पर 1 ईयर कंप्लीट, तो इन चारों को ऐड कर लेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 20,000। तो करंट ईयर के एक्सपेंस हो गए, और ये जो दिसंबर में रेंट पे करेंगे ये होगा जनवरी, फरवरी, मार्च का रेंट, ये प्रीपेड हो जाएगा। तो 31 दिसंबर पे 5,000 प्रीपेड, इसमें किसी टाइमलाइन या अकाउंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट। तो रेंट एक्सपेंस 20,000, प्रीपेड रेंट्स 5,000। क्वेश्चन नंबर 4, ये जॉन सेमनल बिजनेस हैज अकाउंटिंग ईयर एंड ऑफ दिसंबर 31/20x1। He rents factory space at a rental cost of 5,000 per quarter, payable in arrears. So, इसका क्या मतलब हुआ? Payable in arrears. नहीं, arrear means यहाँ पर है बाद में pay करना, advance का opposite arrear. ठीक है? इससे नहीं, अलग है, arrear अलग होता है। तो यहाँ लिखा था ना क्वेश्चन 3 में पेबल क्वार्टरली इन एडवांस, यहाँ पेमेंट हो रही थी एडवांस में, प्री पेमेंट ना एडवांस, और यहाँ पे पेमेंट लिखी हुई पेबल इन एरियर्स, यानी कि बाद में पे कर एंड पर। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर टू दिसंबर 31 हिज कैश पेमेंट हैज बीन एज फॉलो। फर्स्ट पेमेंट कब कर रहा है? वो 1 अप्रैल को पे कर रहा है, और ये कब तक की पेमेंट है? फॉर क्वार्टर 2 31 मार्च, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक का उसने रेंट पे किया 1 अप्रैल, बाद में पे कर, फिर ये जुलाई में उसने पेमेंट किया, और फिर अक्टूबर में पेमेंट कर दिए। फाइनल पेमेंट डी ऑन 31 दिसंबर फॉर द क्वार्टर टू दैट डेट वाज नॉट पेड अंटिल 4 जनवरी। ठीक है, लास्ट क्वार्टर की पेमेंट उसने नहीं की। सही है। कैलकुलेट रेंट एक्सपेंस एंड एक्रूड प्रीपेड रेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31। ओके, अच्छा देखिए, पहला रेंट है ये कब से कब तक का है? जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तो पेड हो गए, और उसमें ऐड कर लेंगे फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का रेंट ऐड हो जाएगा जो अनपेड है ना, टोटल फॉर द ईयर एंडेड दिख रहा है ना साल, तो साल के रेंट कितना बनेगा? रेंट एक्सपेंस 20,000 हो जाएंगे, 55,000 पर क्वार्टर है, साल के कितने होंगे? 20,000, जिसमें से 15,000 पे हो गए, 5,000 एक्रूड होंगे, पेड हो जाएंगे, अनपेड होंगे ना, ये तो इसी तरह से कैलकुलेट हो जाएगा, डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहला रे ये हो जाएगा जनवरी से मार्च तक का रेंट, हमने पे पे हो गया, कितना है? कैश लिख देते हैं यहाँ पर 5,000। इसके बाद अप्रैल 1 से मई, जून, जून 30 तक का रेंट, ये भी पे हो गया 5,000। फिर जुलाई से 1, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर 30 तक का रेंट, ये भी पे कर दिया हमने 5,000। फिर अक्टूबर 1 से लेकर दिसंबर 31, लास्ट 3 मंथ्स का रेंट क्या एक्रूड है ना, एक्रूड हो गया 5,000। चारों को ऐड कर लेते हैं, टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस आपके हो जाएंगे 20,000। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं रेंट एक्सपेंस आपके कितने होंगे? 20,000। एक्रूड रेंट कितना हो जाएगा? 5,000।
इनकम स्टेटमेंट में रेंट एक्सपेंस चार्ज होगा 20,000 और बैलेंस शीट में एक्यूट रेंट रिकॉर्ड हो जाएगा एज अ करंट लाइबिलिटी 5,000। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप होमवर्क में कर लीजिएगा असाइनमेंट। अब इसमें वही क्वार्टरली पेमेंट्स हैं, 3 पेमेंट्स हैं, एक पेमेंट एक्यूरेट होगी, इसी तरह क्वेश्चन 4 की तरह सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा अब क्वेश्चन 7 पर, एग्जाम में नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 7, 8, 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर लें। रेंट पेड ऑन अक्टूबर 1 फॉर द ईयर टू सेप्टेम्बर 33, 30 सेप्टेम्बर 3 वॉज 1200। रेंट पेड ऑन 1 अक्टूबर 3 फॉर द ईयर टू 30 सेप्टेम्बर 4 वॉज 1600। दो एनुअल पेमेंट्स दे दी। ठीक है, कैलकुलेट इंश्योरेंस एक्सपेंस एंड एक्रियड और प्रीपेड एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2024। ट्राई करें पहले आप लोग, फिर मैं करवाता हूँ। ओके तो देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपने ये करना है कि सबसे पहले आप फाइनेंशियल ईयर ड्रॉ करेंगे। ईयर स्टार्ट कब हुआ उसका, एंड कब हो रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 30 जून, तो स्टार्ट कब होगा, July 1। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें फाइनेंशियल ईयर ड्रॉ करेंगे, तो यहां लिखते हैं हम July 1 और ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा इसका June 30। अच्छा ईयर भी लिख लेते हैं, ये कौन सा ईयर होगा, 20X3 और ये 20X4 हो जाएगा ना। जैसे ये पहले तो हमने ये फाइनेंशियल ईयर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आप पेमेंट की डेट्स ड्रॉ करेंगे। पेमेंट, पहली पेमेंट कब हो रही है, October 1, 20X2 में, कब तक के लिए, September 3 तक, October 2 से September 3। अच्छा अब इसमें देखिए, ये July 3 है ना, जुलाई अगस्त सितंबर 3 यहाँ पर होगा, तो October 2 कहाँ होगा, पीछे, तो ये आपका आ गया October 1 और October 1 से लेकर इसने October 1 को पेमेंट कितने की, 1200 पे किए September 3 तक। ठीक है, ये आप ईयर यहाँ लिखना चाहते हैं या ईयर लिख सकते हैं, 20X2 हो जाएगा ना ये। अच्छा यहाँ पर इसने ये सितंबर तक का ये रेंट पे कर दिया और यहाँ पे सितंबर, सेकंड पेमेंट कहाँ पे, October 3 में। ठीक है, तो ये September 30 यहाँ से स्टार्ट हो गया October 1 और अब इसने पे कितने किए, 1600, तो क्या फिर नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक की पेमेंट होगी। हमने पेमेंट्स की लाइन टाइमलाइन ड्रॉ कर ली, क्लियर है यहां तक, क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए July 1 से लेकर June 30 तक के एक्सपेंस कैलकुलेट कर। ठीक है, जुलाई से लेकर सितंबर तक कितने मंथ्स हुए, 3 3 मंथ्स के एक्सपेंस हम कैलकुलेट करेंगे 1200 से, अक्टूबर से लेकर जून तक कितने मंथ्स हुए, 9, तो 9 मंथ्स के एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे 1600। तो यहां लिखते हैं रेंट एक्सपेंस 1200 इंटू 3/12, 3 मंथ्स के एक्सपेंस आ गए जुलाई अगस्त सितंबर, अब यह 1600 इंटू 9/12, ये अक्टूबर से लेकर जून तक के एक्सपेंसेस। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये बन जाएंगे अमाउंट कितना, 300 प्लस 1200 और दोनों को ऐड करेंगे, टोटल रेंट एक्सपेंस हो जाएंगे 1500 रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर। अच्छा अब प्रीपेड रेंट कैलकुलेट करते हैं, देखिए 1600 में से 9 मंथ्स के तो हमारे एक्सपेंस हो गए, बाकी अब कितने बचे, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने, 3 मंथ्स का रेंट प्रीपेड हो जाएगा, तो 9 मंथ्स की एक्सपेंस हो गया, तो बाकी 3 मंथ्स के हमारे प्रीपेड हो जाएंगे। समझे,
आंसर आ जाएगा 400। ठीक, हाँ जी, क्या नहीं समझ आया? सबसे पहले आप इसमें क्या करें, फाइनेंशियल ईयर देखें एंड कब हो रहा है, जून 30। स्टार्ट कब हुआ होगा? ठीक है, जुलाई 1 से जून 30 फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो पहला काम ये करना है, आपने फाइनेंशियल ईयर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, इसके बाद आप पेमेंट्स की टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे। पेमेंट कब हो रही है? अक्टूबर 20x2 में, सितंबर 3 तक। अब तो ये हमारा यहाँ जुलाई 2 है ना, जुलाई 3 है ये, तो 2 कहाँ होगा इससे पीछे। ठीक है, तो ये 2022 अक्टूबर 1 आ गया। यहाँ से रेंट पे किया 1200, अब तक के लिए सितंबर 30 2023 तक पहला रेंट पे हो गया, अक्टूबर 1 से सितंबर 3। सेकेंड पेमेंट कब कर रहे हैं? अक्टूबर 3 में, यहाँ इसने सेकेंड पेमेंट की 1600 की अक्टूबर 1 पे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक की पेमेंट हो गई। ये हमने पेमेंट का ईयर ड्रॉ कर। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जुलाई से लेकर जून तक के एक्सपेंस। इसमें देखिए ये 1200 आ रहे हैं, तो जुलाई से लेकर सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 3 मंथ के एक्सपेंस हम कैलकुलेट करेंगे 1200 से। ठीक, और फिर यहाँ से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 9 महीने के एक्सपेंस हम कैलकुलेट करेंगे 1600। तो ये 3 मंथ के एक्सपेंस आ गए 300, और ये 9 मंथ के एक्सपेंस आ गए 1200, दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल एक्सपेंस हो गए 50। सही, अच्छा, अब 1600 में से 9 मंथ्स के तो एक्सपेंस हो गए, बाकी आगे बचे आपके जनवरी जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने बच गए, वो प्रीपेड हो गए। तो ये हमने 3 महीने के प्रीपेड रेंट्स कैलकुलेट कर। ठीक है, क्लियर? कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 8, डिटेल्स ऑफ कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी आर शोन बिलो। प्रीमियम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2008 पेड इन अप्रैल 2007। फिर प्रीमियम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009 पेड इन अप्रैल 2008, वही एनुअल पेमेंट है। अच्छा, कैलकुलेट इंश्योरेंस एक्सपेंस एंड एक्रीड और प्रीपेड एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2008। अच्छा, ईयर एंड कब हो रहे हैं? 30 जून, तो स्टार्ट कब होगा? जुलाई 1। पहले तो हम ये फाइनेंशियल ईयर ड्रॉ कर लेते हैं, जुलाई 1 से 30 जून तक। ठीक है, ये तो हो गया फाइनेंशियल ईयर हमारा। अच्छा, ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, मंथ्स काफी है। अब मंथ्स लिखेंगे, सिर्फ ईयर लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक चीज याद रखें, इसमें 2 पेमेंट्स होंगी हमेशा, एक पेमेंट लास्ट ईयर की होगी और एक पेमेंट करंट ईयर की। सब लास्ट, पहली पेमेंट हमने की है अप्रैल 7 में, कितनी? 27,5,920। ये हमने यहाँ पे किया होगा ना, अप्रैल 1 25,920, और ये होगी करंट ईयर के मार्च तक के ना। ठीक है, ये हो गया मार्च 31। उसके बाद फिर अप्रैल में दोबारा पे करेंगे हम, सेकेंड पेमेंट हो रही है कितनी? 28,800, और ये नेक्स्ट ईयर के मार्च तक की पेमेंट। क्लियर? अब हमें चाहिए जुलाई से लेकर जून तक के एक्सपेंस। पहले हम लेंगे जुलाई से मार्च तक के एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे 25,920 से। ये मार्च, जुलाई से मार्च कितने मंथ्स बन रहे हैं? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स के एक्सपेंस हम कैलकुलेट करेंगे 25,920 से, ठीक, इनटू 9/12। और फिर अप्रैल से लेकर जून तक, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स के एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे 28,800। यहाँ लिखते हैं 28,800 इनटू 3/12,
बताइए 9 मंथ्स के एक्सपेंस कितने बन रहे हैं? 19,440। और 3 मंथ्स के एक्सपेंस 6,408। दोनों को ऐड कर लेते हैं, टोटल एक्सपेंस 25,000 रुपये। ये गलत है, 6,000 ठीक है। दोनों को ऐड करें, 2,66,404,0 ठीक है। ये तो हो गया इंश्योरेंस एक्सपेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। 28,800 में से 3 मंथ्स के तो एक्सपेंस हुए, बाकी 9 मंथ्स के प्रीपेड हो जाएंगे ठीक है। 21,600 ये हो जाएगा आपका प्रीपेड इंश्योरेंस ठीक है। कॉपी कर लें। ओके क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए ईयर एंड कब हो रहा है? 28 फेब। तो स्टार्ट कब हुआ होगा? मार्च 1 ठीक है। पहले फाइनेंशियल ईयर ड्रॉ कर लेंगे मार्च 1 से फेब 28 ठीक है। 28 ये तो फाइनेंशियल ईयर हो गया मार्च से फेब। आप पेमेंट की टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं, पेमेंट कब कर रहे हैं? जून 1 से 31 मई तक। यहाँ जाएगा जून 1 से कितने पे किए इसने? 1,600। मार्च अप्रैल मई 31। और सेकंड पेमेंट होगी जून 1 से 1,700 नेक्स्ट ईयर के मई तक। May 31। तो ये हमने फाइनेंशियल ईयर ड्रॉ कर ली और पेमेंट की टाइमलाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें चाहिए मार्च से लेकर फेब तक के एक्सपेंस। तो पहले मार्च से मई तक के एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे 1,600 से, और फिर जून से फेब तक के एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे 1,700 से। इंश्योरेंस एक्सपेंस मार्च से मई तक कितने मंथ्स बन रहे हैं? मार्च अप्रैल में 3। क्या वो क्लास ऑफ नहीं हुई? बाकी 1,700 इंटू 9/12 400 प्लस कितना है? 1,675 और प्रीपेड इंश्योरेंस ये 1,700 इंटू 3/12 कितना रहे? 425 ओके क्लियर। क्रिस्टल क्लियर।